जाएंगे, बहुत सारे काम है मेरे कल। तुमने देखा ही नहीं जो मैंने बनाया है वो। क्या बना दिया तुमने? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी फाइनली मुझे व्लॉग एडिट करने का टाइम मिला है, तो मैं कर रही हूँ ये व्लॉग एडिट। ये जो है उस दिन का व्लॉग है जब ये लोग हमजा मेरे लिए जोड़ा लेकर आया था और किंजा भी आई थी साथ में। वो ईदी का सीन अम्मी ने बिल्कुल कैंसिल करा दिया था कि ईदी का बिल्कुल कोई टंटा मत रखना, पर हमजा साहब जो गिफ्ट रैप में जो है जोड़ा पैक करवा के लेकर आए कि ईदी नहीं है, गिफ्ट है ये मेरी तरफ से। लेकिन ये ईद का पूरा प्रॉपर जोड़ा था, वो मैंने छोटे छोटे बस क्लिप्स बना लिए थे। ये भी हमजा ही बल्कि रिकॉर्ड कर रहा है मेरे फ़ोन से। हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जोड़ा बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे कलर का था, कलर बहुत अच्छा था। पर जूते का बड़ा इशू आ रहा था कि जूते का साइज़ सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि अंदाजे से लाया गया था जूता। लेकिन लकीली बड़ा ही परफेक्ट एकदम मेरे पैर में बैठ गया और बड़ा सही आया मुझे। हमजा पूछ भी रहा था ये कोई मसला तो नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं था, एकदम सही आया था ये मुझे। मज़े ही मज़े। आज जो साड़ी आएगी बाहर से आएगी। अच्छा, शुक्र है वाली ने बता दिया, हम लोग बना के VIP साड़ी आएगी। हाँ, आज शायद आखिरी रोजा होगा या पता नहीं, हमें जुम्मे का दिन मिलता है कि नहीं मिलता, लेट्स सी। बस चांद नजर ना आया, आज मेरी तो यही दुआ है। और आज जो है मतलब फिर जुम्मा मिल जाएगा ना एक, अम्मी पूछ रही हैं क्यों। तो ये बस सैरी करते हैं जल्दी से। तो मैंने अपना चकोर पराठा तो बना लिया है, येरा नान भी गरम कर लिया है और चाय मेरी चीनी वाली ये रही। तुम्हारे ये देख, ये क्या हो गया भाई, देखो ना यार। क्या देखूं, ये कपड़े सियाना मैंने, देख लो जरा भाई, देख लो एक मिनट। क्या करूं, देख क्या डिया रहा है भाई, ये क्या है? अबे यार जाओ ना यार, देखो कुछ और भूल गया। अच्छा हुआ, देख बहुत अच्छी जाओ भाई, देख लो ना। बहुत टाइट जाओ, देख लो जरा भाई, और कैसे देखते हैं। तुमने देखा ही नहीं जो मैंने बनाया है वो। क्या बना दिया तुमने? बहुत अच्छा हो रहा है, और टाइट, वेरी नाइस, अच्छी लग रही है। फजूल आदमी एक नंबर का, ये बिल्कुल ही शदीद फजूल। अब जी अफ्तार के बाद मैं आ गई हूँ छत पे चांद देखने के लिए, और हवा की वजह से मेरी बिल्कुल भी जो वीडियो की आवाज़ थी वो ख़राब हो गई थी, मैंने कहा वॉइस ओवर करते हैं। तो चांद तो कहीं नज़र नहीं आया था। मैंने सुना ये था कि पहली तारीख का जो चांद होता है वो एक सितारा होता है आसमान पे, उसके बिल्कुल नीचे होता है। सितारा तो था पर चांद नहीं था। हो रहा है रात के 11:30 और अभी तक कोई चांद नहीं नज़र आया, और इतना जो अंधेरा हो रहा है तो अचानक से लाइट चली गई है घर पर, पता नहीं क्या हुआ ये, डोंट नो। पर अम्मी मुस्ता के लिए बोले जा रही है रात के 1 बजे देखना ऐलान हो जाएगा कि चांद नज़र आ गया। अल्लाह करे ऐसा ना हो। जो है मैं छत पे चांद देखने के लिए जा रही हूँ। अब ईद क्योंकि यकीनी हो गई है वैसे तो पर फिर भी चांद तो दिल चाह रहा है देखने का, बस मेरा आई विश का नज़र आ जाए। भाई छत पे आते के साथ मुझे चांद नज़र आ गया, और अगर दिखे तो मैं दिखा सकता हूँ ये रहा एक सितारा जो चमक रहा है बीच में, और बिल्कुल इसके सीध में ही अगर आप नीचे देखें तो ये रहा चांद। और जी चांद नज़र आया तो अब्बू भी घर आ गए हैं, और अम्मी और मैं बड़ी देर से अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर अब्बू आके ज़रा थोड़े से इमोशनल हो गए थे, आई डोंट नो मुझे ये बात बतानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। और मेरे पास कोई हफ्ते की सुबह से, मतलब जिस दिन चांद रात थी उस दिन सुबह से मेरे पास जो मेहंदी के क्लाइंट्स आने शुरू हुए हैं, तो सेकंड लास्ट क्लाइंट जो है मेरे पास एमन आई थी चांद रात वाले दिन। और फिर मैंने एमन की मेहंदी लगाई, फिर एमन की मामा के
फिर बल्कि नहीं, फिर मैंने राबिया के लगाई, फिर जाके अब मेरी बारी आई मेहंदी की। ये जो है मोहब्बत से लगाए गए हैप्पी बर्थडे मेरे उतारे जा रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने ही लगाए थे और यही उतार लिए। रात के 3:30 बज रहे, मेरा तो बहुत ही बुरा हशर हो रहा है मेहंदियाँ लगा लगा के और काम कर कर के। तो दुआ निकाल, ये चमक पट्टी तुम उतार दो। ये रख दो, ये रेड वाला। ₹100 के मिले थे, दूसरा ला दूंगी। अल्लाह, पैसे भी बताते भाई, ₹100 के एक नहीं 3 मिले थे, ₹300 के। मैंने टिक्को को मसाला लगा के रख दिया है और यहाँ पे आलू के कटलेट्स बनेंगे, तो उसका भुर्ता अभी बस बना के रखा है, ना कोई मसाला डाला है ना कुछ। और ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं इस वक्त और मुझे नमाज़ पढ़नी है तो जाएंगे। बहुत सारे काम हैं मैंने कल शाम में मुझसे बोला था कि मैंने कपड़े धो के रखे हैं, इनको फैला देना, ये पड़े हुए अभी तक। अब्बू और अतराफे और फिरोज भाई के ईद के कपड़े इस्त्री करने हैं और ये मेहंदी फिर जाहिर है धो दूंगी, क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू। तो भाई बड़ी ही थकावट और बड़े हशर के साथ मैं कर रही हूँ ये ब्लॉग यहीं पे एंड। मुझे नहीं पता किस तरह का ब्लॉग बना है, बट आई होप कि अच्छा ही बना होगा, क्योंकि जब मैं एडिट करूँगी तो कुछ अच्छा बन जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और ईद के ब्लॉग का अपडेट करना। अच्छा सा डाल।